हेलो एवरीवन, आज हम एक्टिविटी रिलेटेड टू एसिड बेस एंड सॉल्ट से करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता है हमारे साथ जिगर भाई, एनी एक्टिविटी इफ वी डू वो हमारे साथ होते हैं और वो पूरा हेल्प उन्होंने किया है। सो चलो चालू करते हैं हमारी एक्टिविटी। ओके, सो पहले हम लिटमस पेपर की एक्टिविटी करेंगे। जैसे आपको पता है ये रेड लिटमस पेपर, देन दूसरा वाला है ब्लू, राइट? सो नाउ हमको पता है कि इफ इट इज एसिड देन दैट ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्टेड इनटू रेड, क्या होगा? ब्लू वाला कन्वर्टेड इनटू रेड कलर, एंड दिस वन रेड कन्वर्टेड इनटू ब्लू इन बेस। सो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैं ले रहा हूँ टेस्ट ट्यूब में। सो बी केयरफुल, एसिड होता है ये, राइट? ध्यान से देखना है, कौन सा कलर है? ब्लू कलर। ब्लू कलर, दिस वन इज एसिड। देख सकते हो आप, राइट? ब्लू कलर कौन सा कलर हो गया है? रेड कलर। सो नाउ दिस वन इज अवर एसिड। एसिड में लिटमस पेपर जो ब्लू कलर है वो कन्वर्टेड इनटू रेड कलर, राइट? रेड कलर आया, इट मींस डेंजर कलर। ये हो गया हमारा एसिड। अब हम लेंगे बेस। अभी चेक करते हैं, हमने और उसमें क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है। राइट? देख सकते हो रेड कलर इज कन्वर्टेड इन टू ब्लू कलर, मीन्स ये अपना बेस है। क्लियर? नाउ उसके बाद एक और एक्टिविटी हम करेंगे जिसमें हमारे पास तीन टेस्ट ट्यूब है और तीनों में एक में हम पानी, दूसरे में हम डाल रहे हैं बेस, और तीसरे में हम लेंगे एसिड। राइट? अब एक्टिविटी क्या है देखो, हमने तीन चीज ली है इसमें, एक में पानी है, एक में एसिड है, एक में बेस है, पर हमको पता नहीं कौन सा क्या है इसमें। अभी इसमें से हमें निकालना है कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा सॉल्ट है, राइट? सो अ वाटर विल कंसिडर न्यूट्रल, सॉल्ट विल कंसिडर, सो उसमें अलग इफेक्ट आएगा। एसिड बेस एंड सॉल्ट तीनों मिक्स हो गई है, उसमें से हमें ढूंढ निकालना है। लेकिन हमारे पास एक ही पेपर है, कौन सा पेपर है? एक है, लेट अस कंसिडर करते हैं, रेड वाला हमारे पास है। ये तीन टेस्ट ट्यूब हमारे पास मिक्स, हमें पता नहीं है, लेकिन उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है एसिड बेस एंड वाटर। पता चल गई एक्टिविटी? नाउ हमें पता नहीं इसमें से कौन सा क्या है, लेकिन रेंडमली हमने एक ले लिया है। अब देखते हैं क्या होता है, एक ही पेपर है हमारे पास, याद रखना है। राइट? ये देखना है, नो चेंज, कलर चेंज नहीं आया, इसका मतलब क्या हो सकता है? ये एसिड हो सकता है या पानी हो सकता है, राइट? एसिड मीन्स रेड कलर, सो ये तो हो सकता है पानी या एसिड, हमने उसको साइड पे रख दिया है। हमारे पास एक ही पेपर है, अब दूसरा ले लेते हैं, राइट?
अभी भी चेंज नहीं है। तो ये अभी भी क्या है, एसिड हो सकता है या पानी हो सकता है। सो दो टेस्ट ट्यूब हमने चेक कर लिया। थर्ड वन अभी इसमें चेक करते हैं। राइट, कौन सा कलर आया? ब्लू कलर आया। तो ये हमारा बेस है आउट ऑफ तीनों में से, तो उसको हम अलग निकाल लिए। तो ये हो गया हमारा बेस। नाउ सी हियर, हमारे पास कौन सा पेपर आ गया अभी? ब्लू कलर। सो ये हमारा ब्लू कलर, उसको पूरा कलर चेंज कर लेते हैं। राइट, सो ये हो गया हमारा ब्लू कलर लिटमस पेपर नाउ, और ये हो गया बेस। अब हमें ढूंढना है पानी कौन सा है और एसिड कौन सा है। जिसमें भी ये रेड कलर हो जाएगा वो होगा हमारा एसिड, और सेम रहेगा दैट इज आवर वाटर। राइट, इसमें डालते हैं, हमको पता नहीं क्या है ये। राइट, कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा पानी हो गया। इसको लेबल कर देते हैं, ये हो गया H2O। राइट, और पहला वाला हो गया था बेस, और लास्ट टेस्ट ट्यूब बची अपने पास। लेकिन अभी हमारे पास कौन सा पेपर है? ब्लू कलर। चेक करते हैं ये क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए। एसिड है तो क्या होगा, रेड कलर। ओके, चेक कर लेते हैं। राइट, आ रहा है चेंजेस। सो इसका मतलब ये है अपना एसिड। राइट, धीरे धीरे ये हो रहा है। आ गया रेड कलर। सो इन दिस वे हमने तीनों अननोन सॉल्यूशन में से आइडेंटिफाई कर दिया है कि फर्स्ट वन बेस, दूसरा वाटर एंड तीसरा है एसिड। ये रेंडम है, ऐसे जरूरी नहीं है कि पहले आपको बेस मिलेगा, वाटर मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है। राइट, ओके, ये हो गया रिलेटेड टू अवर लिटमस पेपर। नाउ कम टू दैट टेस्ट रिगार्डिंग फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन याद रखना है, क्या याद रखना है? इफ इट इज एसिड देन नो चेंज इन अ कलर। अगर हम इसको डालेंगे, किसमें डालेंगे, एसिड में डालेंगे तो कलर चेंज नहीं होगा। अगर बेस में डालेंगे तो कौन सा कलर आएगा? पिंक कलर, याद रखना है। राइट, सो वही ले लेते हमने अभी जो लिया है। राइट, ट्राई करके देखते हैं। हम बोल रहे हैं कि उसमें ये हमारा है एसिड, और फिनोप्थेलिन है कलरलेस सॉल्यूशन। अगर एसिड में डालेंगे तो कलर चेंज नहीं आएगा। राइट, एक और दो ही ड्रॉप सफिशियंट है। आया कुछ चेंज? नहीं चेंज आया, मीन्स ये एसिड है। अभी हम बेस में डाल रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमने लिया हुआ है, एक ही ड्रॉप से हमें पता चलेगा। राइट, है नाइस कलर, कितना अच्छा रहा है कलर। सो दिस वन इज अवर बेस। इन दिस वे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये एसिड है या बेस। सो एसिड का तो छोड़ो, चलो कलरलेस है, लेकिन जैसे ही हमने बेस में डालेगा तो कौन सा कलर आएगा? ब्लू, सॉरी पिंक कलर, मीन्स बेस। सो दिस वन इज सेकेंड इंडिकेटर, दैट इज सिंथेटिक इंडिकेटर फिनोप्थेलिन। राइट, उसके बाद हम चेक कर लेते हैं मिथाइल ऑरेंज। याद है हमने पढ़ा है, इफ वी टेक सम ड्रॉप्स इन अ बेस, कौन सा कलर आएगा? रेड कलर। अगर हमने डाला बेस में तो कौन सा कलर आएगा? येलो कलर। देख लेते हैं, चलो हम उसमें लेते हैं एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मिथाइल ऑरेंज, कौन सा कलर चाहिए हमको, कौन सा आना चाहिए?
रेड कलर, देख लेते हैं क्या हो रहा है। देख सकते हैं कलरलेस टू रेड कलर मींस कौन सा है? ये सॉल्यूशन है एसिड, वेरी सिंपल। सो एसिड, अभी उसको चेक करते हैं हम बेस में। कौन सा कलर आना चाहिए? येलो कलर। योगिनी मैडम आ गए, आइए मैडम। देख सकते हैं येलो कलर, यस वेरी गुड। आओ मैडम। ओके अभी नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी है टाइट्रेशन। कैसे टाइट्रेशन होता है चेक करते हैं। ये हमने इसमें एसिड लिया हुआ है राइट, और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ फिनोप्थेलिन 1 ड्रॉप। ये एसिड है उसमें मैं डाल रहा हूँ फिनोप्थेलिन। कौन सा कलर आएगा? कलरलेस, नो चेंज इन अ कलर। राइट, ये एसिड में फिनोप्थेलिन, नो चेंज इन अ कलर। नाउ मैं धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें ऐड करूंगा बेस। ये पिपेट है, दिस इज कॉल्ड एज पिपेट। थ्रू दैट वी कैन ऐड ड्रॉप बाय ड्रॉप बेस। अब होगा क्या है, ये थोड़ा सा इसमें एसिड है, जैसे ये एसिड बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बेस ज्यादा हो जाएगा, ये बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा, तब कौन सा कलर स्टार्ट होने लगेगा? पिंक कलर स्टार्ट हो जाएगा इसमें। चेक कर दे पिंक कलर क्यों होगा? क्योंकि ऑलरेडी उसमें हमने फिनोप्थेलिन डाला हुआ है एसिडिक में, नो चेंज। जैसे ये बेसिक कलर हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा, पिंक कलर स्टार्ट होगा। देख सकते पिंक कलर आया पर वापस डिसअपियर हो गया। जब तक ये एसिडिक है वो पिंक कलर आएगा और डिसअपियर हो गया, लेकिन जैसे ये पूरा सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा और कलर परमानेंटली पिंक आ जाएगा इसमें। ये शेक करते रहना है, पता चलेगा ये अभी भी एसिडिक है। राइट, अभी भी एसिडिक है, मैं ऐड करते जा रहा हूं। राइट, अब आ गया पिंक कलर, इट मींस एसिडिक से ये बेसिक कलर हो गया। कितना भी शेक करोगे तो अभी ये आ जाएगा, पिंक ही कलर रहेगा। इट मींस दिस सॉल्यूशन इज नाउ बेसिक, वेरी सिंपल। ओके नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज नेचुरल इंडिकेटर दैट वी आर गोइंग टू टेक, टर्मरिक, हल्दी। हल्दी हमने डिजोल्व करके रखा है वाटर में और चेक करेंगे फर्स्ट इन एसिड। इसमें हम एसिड लेंगे, और रिमेम्बर इन प्रीवियस एक्टिविटी थोड़ा मैंने गलती किया था, जब भी हमको एसिड लेना है इट इज अ डेंजरस, सो टेक विथ हेल्प ऑफ टेस्ट ट्यूब होल्डर, दिस वन इज कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब होल्डर। सो इसमें हम लेंगे सो दैट सेफ एसिड। राइट, मैंने इसमें भी एसिड लिया है, चेक करते हैं क्या कलर आता है। इसको हम बोलेंगे पिपेट, पिपेट से लेंगे। राइट, एसिड जिसमें हम हल्दी डाल रहे हैं, टर्मरिक। विच कलर? येलो कलर। राइट, येलो कलर इट मीन्स नो चेंज इन इंडिकेटर।
येलो कलर इंडिकेटर का है, इंडिकेटर दैट येलो कलर ओनली। सो एसिड में ये कोई टेस्ट नहीं दे रहा है, देयर इज नो इंडिकेशन। अभी हम चेक करेंगे एसिड, सॉरी, अभी हम लेंगे बेस, राइट? हम ले रहे हैं बेस। याद रखना है, इफ इट इज अ बेस देन दैट दिस विल गिव अस रेड कलर। डाल के देखते हैं हल्दी क्या होता है। दिस वन इज अवर बेस, आई हैव रेड कलर। यस, घर में भी देखा होगा कब, अगर हल्दी के स्पॉट से कपड़े के ऊपर वॉशिंग के टाइम कौन सा कलर हो जाता है, रेड कलर। द सेम वे इफ इट इज एसिड द टर्मरिक गिव अस रेड कलर। चेक इट, कंपेयर करते हैं, राइट? ये वाला है दैट इज एसिड और ये वाला है बेस। हमने दोनों में सेम अमाउंट डाला है हल्दी, लेकिन कलर क्या आ रहा है, बेस में आ रेड कलर और एसिड में नो चेंज यू कैन से। राइट, इन दिस वे दैट नेचुरल इंडिकेटर एक्टिविटी। और दूसरी एक्टिविटी है दिस टर्मरिक, यू कैन डू वेरी इजिली एट होम। वेनिला ऑनियन ऑल्सो यू आर फेमिलियर दैट यू कैन डू एट योर होम, राइट? सो विद दिस टूडेज वीडियो इज ओवर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।